मिडल सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन। अभी ईयर टू ईयर सेक्शन आपको एकदम परफेक्टली आ गया रहेगा। कोम इस तरह से करना है, जो साइड वहां से यहां तक टॉप ऑफ द एंड मिडल ऑफ द ईयर आपका सेक्शन आना चाहिए। फ्रंट को पिन कर देते हैं और आज जो मैं फ्रंट ले रही हूँ फुल अप ले रही हूँ, तो भी मुझे क्या करना है पफ से किस तरह से कर रहे हैं वो देखो। यहाँ पे मैंने सेक्शन अलग किया, यहाँ से एक सेक्शन निकाला, हल्का बैक कॉमिंग, हार्ट स्प्रे के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बी प्रोफेशनल। अगेन ऑन अ 90 डिग्री बैक कॉमिंग, अब मुझे ब्रेड बनाना है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रॉपरली शाइन स्प्रे किया मैंने आपका कोम। सी दिस लेवल ऑफ फिनिशिंग रिक्वायर्ड। एक भी बेबी है, एक भी मेसी आपको दिख रहा है, कहीं पे भी दिख रहा है, ये आपका पफ बनाने का टेक्निक हो जाएगा। तो अभी मुझे मांग टीका प्लेसमेंट करना है, सो आई एम यूजिंग नीडल। अगर आप भूल गए फ्रंट हो गया उसके बाद भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। वहां पे पकड़ के रखो, किस तरह से आपको डालना है नीडल। सबसे पहले आपके मिडल ऑफ दी कोई भी हाइट पफ रहेगा तो भी यही टेक्निक यहां से आपको पास करना है। एंड देन वहीं से निकल के इस तरह से आपका मांग टीका भी प्लेस हो जाएगा। दो तीन रोटेट ले लेंगे एंड नीचे की साइड पिन कर दूंगी, एंड यही जहाँ पे गांठ आई है वहाँ पे नीचे पिन, ताकि ये लूज भी नहीं हो और हमारा लॉक भी हो गया। छोड़ो, जैसे काइंड ऑफ मारवाड़ी टच, ट्रेडिशनल टच। ग्लू ड्रॉप आते हैं इजीली, स्टेशनरी में अवेलेबल हो जाएंगे आपको ऐसे, और इसको स्टिक करने का बेस्ट तरीका है इस तरह का ग्लू ड्रॉप। ओके, अभी यहाँ पे ज़्यादा उनका बेस है तो जहाँ पे बेस है वहाँ पे ही आपको परफेक्टली लगाना है। सी यहाँ पे लग गया और परफेक्टली प्रेस। नाउ टर्न, सी हिलेगा भी नहीं। सो इतना तो ध्यान हम रख ही सकते हैं कि जो भी लगाएंगे परफेक्शन के साथ में होगा, वेडिंग के पूरे फंक्शन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं अभी फ्रंट पूरा आप लेना है, सो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से जैसे हम पफ बनाते हैं ना आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेयर लिया, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेकेंड लेयर। अब लेयर में बहुत थिन है आगे की है, तो मैं ज़्यादा करके वर्क करूँगी ऑन 180 डिग्री एंड 180 डिग्री के साथ में स्प्रे, हार्ट स्प्रे सिर्फ और सिर्फ रूट में एंड ऊपर ले लूंगी। यहाँ पे जहाँ पे हमारी कोनी है वहाँ पे लगा के देखो, अभी यहाँ पे कैसे गिरे हुए है, यू कैन सी। एंड यहाँ पे मैंने सेट करके स्टिक लगाया है तो मेंटेन है। सेम यहाँ से, सेम जहाँ पे वहाँ से मैंने हेयर रखे है, कभी भी एक साइड से नहीं रखने का, दोनों साइड। जब भी वन साइड लेते हो तब सिर्फ एक साइड से प्लीज निकलती है, बट जब भी फुल अप है या मिडल सेक्शन है पार्टीशन, तब आपका दोनों साइड में फ्लिक्स निकलनी चाहिए। अगर कभी गलती से लाइन विजिबल है तो क्या करना है, सी एक थोड़ा सा ऊपर मेरे को भी नहीं, हाँ यहाँ के हेयर को इस तरह से क्रॉप कोम करो, यहाँ के हेयर को ऐसे कोम करो,
ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, अब नीचे करो फेस, अब देखो, दिस इज द स्मॉल स्मॉल टेक्निक जो आपको अपनानी है। हेयर स्टाइल में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे आप वह किस तरह से एक से दूसरा करना है वो आपको समझ में आएगा। ये कुंभ की हेल्प से भी आप बैक कुंभिंग सॉरी पुलिंग कर सकते हो, इस तरह से लेना है। इतना सेक्शन हुआ, इसको हम ब्लॉकिंग करते हैं। थोड़ा थोड़ा सेक्शन में ही जाते जाना है अगेन, क्योंकि मुझे एकदम स्मॉल पुलिंग चाहिए। हाथ से करते तो गैपिंग हम थोड़ा सा मेंटेन करते, इसमें गैपिंग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एक रबर बैंड इस तरह से, जहां पे हमारी रबर बैंड है, प्रॉपर परफेक्शन के साथ में एक पिनिंग करनी है। हेयर को टैंगल फ्री रखना है, ब्रेड बनाने का सबसे पहला रूल। फाइव वे ब्रेड मतलब हेयर में कितने पार्ट होने चाहिए, फाइव। पहले मिडल में डिवाइड करो, इक्वल फाइव पार्ट्स बनाने हैं। अगर किसी के बाल छोटे हैं तो आप घर से रेडी करके जाओ। बान वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इक्वली होने चाहिए ब्रेड में, कभी भी कम ज्यादा हेयर नहीं होने चाहिए। एक दो अगेन यहां से ऐसे, सिंपल है।